असलम डी एयर लर्नर्स पोटेंशियल ऑन्टरप्रनोर्स एंड ऑन्टपनोर्स इन 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 एक्शन वेलकम इन द वीडियो इतहई अहम सीरीज़ है बिकॉज हम बात करें इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और उससे रिलेटेड जुड़े हुए कॉन्सेप्ट जैसे कि ट्रेडमार्क पेटेंट कॉपी राइट और डिज़ाइन हम लोग इस एक वीडियो में बात करने वाले हैं कापी राइट के बारे में आज कल कापी राइट का बहुत ज़्यादा शोर है कॉपी राइट किन किन एरियाज़ में जो है अहम है कॉपी राइट से गवर्निंग लॉ क्या हैं कॉपीराइट uh, को फ़ाइल uh, करने के लिए क्या एक प्रोसीजर है क्या क्या कबातें इसमें हो सकती हैं और ख़ास तौर पे आजकल की जो एक हमारी नई डिबेट है जिसमें ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है या उसमें भी कॉपीराइट उतना ही अहम इशू है कि नहीं है इन तमाम मौजूद पर हम बात करेंगे मुझे uh, साथ जॉइन कर रहे हैं एज़ अ को होस्ट डॉक्टर रिजवान सलीम और स्टूडियोज़ में हमने बुलाया है अपने सीनियर लॉयर असद अब्बास भट्ट साहब को इंतहाई अहम डिस्कशन है अच्छा इस डिस्कशन को हम आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा डिटेल में जा सकें लेकिन अगर आ, और डिटेल में आप जाना चाहेंगे तो हम असद से पूछ लेंगे कि और कहाँ से ये इंफॉर्मेशन है जो तो आपको अवेलेबल होगी सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम असद थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग आज इन द स्टूडियो सबसे पहले तो ये बताइए कापी क्या है और कापी के गवर्निंग लॉज इन पाकिस्तान कौन कौन से हैं जी थैंक यू वेरी मच नूरी देखिए जो कॉपीराइट है वो भी एक मैनिफेस्टेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जिस तरह ट्रेडमार्क है या पेटेंट राइट्स हैं या डिज़ाइन है तो कॉपीराइट भी जो है वो उसी तरह से है लेकिन इसके जो गवर्निंग लॉज हैं उसके बारे में आपको तस्करा करता चलूँ कि हमारा एक एक्ट है कॉपी एक्ट नाइनटीन सिक्सटी फोर का वो ज़्यादा पुराना है लेकिन उससे मुराद ये नहीं है कि उसके अंदर जो नई जिद्दतें हैं उनका जो है वो उस तरह से आपको नज़र नहीं आता बल्कि वक्त के साथ साथ जब अमेंडमेंट्स आती हैं तो वो उसके अंदर शामिल की जाती हैं और उसको तर ताज़ा जो लॉ को है वो रखने की कोशिश की जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है आपके लॉज को भी आपको उसी तरह से तरमीम शुदा करना पड़ता है उसके अंदर मुख्तलिफ तरमीम लानी पड़ती है तो ये नाइन्टीन सिक्सटी फोर से मराज ये नहीं है कि वह बहुत पुराना है उसकी जो है वो आपको शक्ल उसके अंदर नई प्रोविजन आपको देखने को नज़र आती हैं आ, दूसरी जो बात है कि ये किस तरह से मुख्तफ है ट्रेड मार्क से या आ, इसके अंदर जो है वो अगर मैंने ट्रेड मार्क का जो करवा लिया है तो क्या कापी राइट उसके अंदर शामिल है तो देखिए ट्रेड मार्क जो है वो एक दूसरे एरियाज़ को कवर करता है पेटेंट जो है वो जैसे हमने तस्करा किया कि वो फार्मूलाज़ को कवर करता है तो जो आपका कॉपी राइट है ये आपका बिल्कुल एक दूसरा डोमेन है जिसको ये आ, टेकल करता है या जिससे ये नबर्दमा नबर द तो ये आपके उन एरियाज़ को कवर करता है या उन इन्वेंशनस को जैसे आपकी पोइम्स हैं जैसे आपके सॉन्ग्स हैं जैसे आपकी जो है वो आपके आजकल जो है वो वी लॉग्स बनते हैं या आप टिक टॉक्स के अंदर आप देखें या यूट्यूब के अंदर या स्नैपशॉट के अंदर या फेसबुक के अंदर आप देखें कि आप कोई पिक्चर्स आप कर रहे हैं उतार रहे हैं तो ये वो क्रिएशनस के मतलब आपको ये कवर करता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसकी ज़्यादा हमें क्या कहते हैं कि अहमियत का द्राक होता चला जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर बंदा ही माशाल्लाह क्रिएटिविटी की तरफ है और वो अपनी चीज़ें जो है वो निकाल रहे हैं तो ट्रेडमार्क जो है वो सॉरी जो कॉपी राइट्स हैं उस सेंस में अब इसकी इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन और इसकी अहमियत जो है वो कई गुना बढ़ चुके है ठीक अच्छा असल एक बड़ा अहम सवाल जैसे मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर हाउस है या एक प्रोडक्शन हाउस है या कोई ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से कोई एक कंपनी है तो ये तमाम कंपनीज़ अपने एक ट्रेड मार्क के साथ रजिस्टर हैं फिर आ जाती हैं इनकी प्रोडक्ट्स हैं कोई कोई सॉफ्टवेयर हाउस है तो उसका एक प्रोग्राम है जो उसने लिखा है ठीक है ना कुछ कोड्स हैं जो उसने लिखे हैं या प्रोडक्शन हाउस हैं तो उन्होंने कुछ ड्रामास प्रोड्यूस किए हैं स्टोरीज प्रोड्यूस की हैं है। या फिर आ, इसी हवाले से अगर हम आ, और भी कंपनीज़ की बात करते हैं तो ट्रेड मार्क उनका अलग होता है लेकिन आगे उनकी प्रोडक्ट या उनकी जो कंटेंट क्रिएशन है वो एक अलग होती है मेरा सवाल यह कि क्या कंपनी जो रजिस्टर है एक ट्रेडमार्क के साथ क्या उनको कॉपी की जरूरत रहती है देखिए मैं आपको आ, मामले को सहल करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए आप एक घर खरीद करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको पानी के कनेक्शन की अलग ज़रूरत है बिजली के कनेक्शन की अलग ज़रूरत है अगर आपको जो टेलीफोन की फैसिलिटी चाहिए उसके लिए अलग ज़रूरत है तो इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जब आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हैं तो आपको एक खास किस्म की प्रोटेक्शन मिलती है आप उससे कॉपीराइट की प्रोटेक्शन शायद उस तरह से सीख ना कर सके उसके लिए आपको अलग एक कनेक्शन या आप एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है तो इसलिए ज़रूरी यह है कि आप ये समझें कि चीज़ें मुख्तलि हैं लॉज मुख्तलिफ़ हैं इवन दो के उसको बड़े डोमेन में जब आप बात करते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का नाम देते हैं बट इट डजेंट मीन कि आपने अगर एक प्रोटेक्शन ले ली है तो आपको बाकी भी लॉज प्रोटेक्ट करेंगे उस लोगों की अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ अपनी जो है वो क्या अपनी रिक्विजिट्स हैं जिनको आप मीट करेंगे तब आपको प्रोटेक्शन मिलेगी अगर आप देखें कि अगर कोई आप एक बिजनेस की बात करें तो उन्होंने ट्रेडमार्क जो है वो एक अपना जो है वो उसको रजिस्टर करवा लिया लेकिन कॉपी उन्होंने कोई वी लोग बनाया या कोई एडवर्टीजमेंट बनाई जो उनकी चुरा ली जाए या उनका कोई सॉन्ग उसके ऊपर है जो या टैग जो टैग है, है, है या कोई software, जैसे आप ले, ले, है। आप देखिए अक्सर कहते हैं रीशेपिंग द लाइफ ये एक लाइन है लेकिन इसका कॉपी राइट है इसका ट्रेडमार्क जो जिस कंपनी ने किया वो ट्रेडमार्क के नाम पे वो वहां पे रजिस्टर्ड है लेकिन वो उन्होंने कोई नई चीज निकाली है जिसके ऊपर कॉपी राइट की इम्प्लीमेंटेशन है तो उनको उसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही वो क्लेमेट हो सकते हैं उन राइट्स के ठीक कापी राइट का मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है बिकॉज हमारे पास अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने की वजह से इंटरनेट के आने की वजह से अब ये जो सबसे ज़्यादा आई गेस वेशन ही कॉपी राइट की ही जी जी uh, हो रही है अच्छा कापी राइट के रजिस्ट्रेशन uh, और उसके ऑपोजन वगैरह के हवाले से रिजवान के कुछ सवाल थे जी रिजवान इसमें असद साहब जिसन ने बताया कि जो कापी राइट है उसकी इम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है और आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं जो उसके अंदर आती हैं जिस तरह के ई e कंटेंट जितना भी टोटल है सॉफ्टवेयर्स हैं कोड्स हैं आपका ड्रामाज हैं फिक्शन है प्रोज है पोइट्री है, है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जितना भी प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल वर्क है वो इसमें आ जाता है तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है क्या उसका प्रोसेस पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसा ही है या उनसे से है देखिए अगर आप स्पिरिट की बात करें तो वैसा ही है जैसे आपने अवेलेबिलिटी ऑफ उसकी चेक करनी है कि आप जो भी अपनी कोई क्रिएशन जो है वो कॉपीराइट में जो आती है उसको रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो जिस अथॉरिटी के पास जैसे आईपीओ पी ओ हमारे आ, मुल्क के अंदर है आप उसके पास एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे पहले वो बुनियादी एक रिसर्च करने के बाद बताएंगे कि आपका ये फ़लाँ जो सॉन्ग है या फला आपने जो है वो प्ले किया है किया है या आप कोई सॉफ्टवेयर आपने डिवेलप किया है तो क्या इसके अंदर कोई जिद्दत भी है या ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड चीज़ें हैं उनसे ही ये मिलती जुलती चीज़ है तो वो आपको उसकी अवेलेबिलिटी पहले चेक करना पड़ेगी जब आपको वो आ जाती है तो उसके बाद एक प्रोसीजर है जो कि काफ़ी हद तक आपका ट्रेडमार्क और पेटेंट से मिलता है वो उसके अंदर फिर उसी प्रोसीजर से गुजरेंगे और उसी तरह से गैजेट के अंदर आएगा कि जनाब ये कापी जो है वो अब इन इन इनकी मलकियत है या इनको मिल गए हैं अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो विद इन अ पर्टिकुलर टाइम उसको करे फीसिस हैं वो सिमिलर उनका प्रोसीजर है कि आपको पे ऑर्डर के ज़रिए इन द नेम ऑफ आई जमा करवानी पड़ती हैं या आप उसका एक ड्राफ्ट बना लेते हैं तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें तो आपको सिमिलर ही नज़र आती हैं सिर्फ इसके अंदर चीज़ें ये हैं कि आ, इसके अंदर जो एक एक प्रोसीजर तो नहीं है एक सजेशन है वो ये है कि इदारे को इसमें स्पीडी करना चाहिए वो वजह ये है कि चीज़ें इतनी तेज़ी से क्रिएट हो रही हैं और इतनी तेज़ी से वो अपनी एक अहमियत भी खो देती हैं कि उनकी ड्यूरेशन कुछ टाइम की होती हैं तो लोगों को वहाँ पे भी कैटर करना चाहिए मेरा ये एक तजवीज़ मैं चाहता था कि जब इसकी बात आए तो मैं तस्करा करूँ लेकिन ये नहीं है स्पीडी अगर आपकी चीज़ें होंगी तो तब आपको इदारे को भी फ़ायदा होगा और लोगों का एक अतमाद भी बढ़ेगा कि जी ये दो दिन के अंदर रजिस्टर हो जाती है चीज़ तो आप बिफोर लॉन्चिंग आप उसको रजिस्टर जो है वो करवाने की तरफ़ जाएंगे और जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर लोगों का एक अतमद बढ़ेगा लेकिन आपने बात प्रोसीजर की पूछी थी तो मोर और लेस सिमिलर रिजवान इसके अंदर मुझे सेम ही नज़र आता है अच्छा ऐसा साहब यहाँ पर एक और सवाल यानी एक और एरिया में भी रहनुमाई फरमाएँ ऑनेस्टली आप ये बताइए कि जब हम आई पी ओ रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें खुद वो प्रोसेस करना चाहिए या किसी लॉयर को इंगेज कर लेना चाहिए देखिए जो बुनियादी रिसर्च है आ, वो आपको खुद करनी चाहिए उसकी वजह यह है कि कई चीज़ें आपको अंडरस्टैंड uh, करेंगे तो तब आप एक अच्छे क्लाइंट भी बन सकते हैं वो अगर आप एज ए क्लाइंट जाएं विदाउट डूइंग द बेसिक रिसर्च तो आपको पता चलता है कि आपका लॉयर आपको कह रहे जी कि आप फ्लान डॉक्यूमेंट दें और ये बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए आपने उस चीज़ को इग्नोर किया या उस टाइम फ्रेमवर्क को इग्नोर किया कि वो कह रहे थे आप इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर दें तो बेसिक रिसर्च आपको होनी चाहिए लेकिन इवन देन आई बिलीव के इसके अंदर आप अगर स्पेशलिटी जिन लोगों की है उनकी अगर आप रहनुमाई लें तो ज़्यादा बेहतर है ठीक है तो इसमें एक सवाल और जिस तरह हमने पहले भी आपसे पूछा जब हम कॉपीराइट ले लेते हैं किसी कंटेंट का या किसी भी चीज़ का जो जो इसमें आती हैं तो इसमें ये बताएं कि टेरिटोरियल उसकी रिस्ट्रिक्शन वैसी ही है जैसे दूसरे केसेस में थी पाकिस्तान में मैंने कॉपीराइट लिया है किसी चीज़ का तो क्या इसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन uh, भी होगी या नहीं होगी लेकिन टेरिटोरियल जो है वो बात उसी तरह से है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके जो राइट्स हैं उसकी uh, जब तक रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर एरिया में नहीं होगी या किसी मुल्क में नहीं होगी तो वो आप उसको uh, उसका क्लेम नहीं कर सकते ये पॉसिबल है कि एक जगह के पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों का ट्रेडमार्क मेरे नाम पर है क्या कॉपीराइट मेरे नाम पे है तो दूसरा किसी और के नाम पे हो तो आपको ये उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है कि अगर आप दूसरे मुल्क में भी जाके चाहते हैं कि आपको वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो तो आप उसको वहाँ पे जाके रजिस्टर करवाएंगे जी न जी असर सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल आ, वो हम पूछना चाह रहे हैं बिकॉज़ इस वक्त ऑनलाइन कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है आप ऑनलाइन कॉन्टेंट को एजुकेशन के हवाले से भी देख लें जिस तरह हम भी एक इस वक्त कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं ठीक है और ऑबियसली इसके भी कापी जो हैं वो वर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के होंगे फिर उसके बाद बहुत सा कंटेंट ऐसा है जो हम देख रहे हैं कि अब वो शॉर्ट मूवीज़ uh, में आ रहा है या ओ टी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास वहाँ पे भी बहुत सा मटेरियल जो है वो कंटेंट वहाँ पे क्रिएट हो रहा है सो so, मेरा uh, सवाल uh, आपसे जो तो बुनियादी तौर पे वो यही है कि इस वक्त जितने भी हमारे ऑन्टरप्रीनियोर्स आ रहे हैं और वो इसी तरह के किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या आइडियाज़ की तरफ आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको Uh, शुरू में उनके आइडियाज़ को पसंद नहीं किया गया क्योंकि वो उनके आइडियाज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे थे और कॉमिक आइडियाज़ पे लेकिन आज वो इस वक्त लीड कर रहे हैं उन ओ टी प्लेटफॉर्म्स पे तो सवाल मेरा ये है कि आपके पास इस वक्त डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंसेस इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है यानी कि हम हुँ. ये जानना चाह रहे हैं कि जितने भी नए ऑन्टरप्रीनियोर्स हैं उनका रुझान इस तरफ है नहीं है है तो कापी की तरफ कितना रुझान है देखिए जहाँ पे डिजिटलाइजेशन की आप बात करें तो दो क्लासिफिकेशन हमको करना पड़ेंगी एक वो है कि आपका वो कंटेंट है जिसके अंदर आप समझते हैं कि इसको कॉपीराइट करवाना चाहिए और कुछ अब क्योंकि आपके जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जो पोर्टल हैं वो भी आपको कॉपीराइट प्रोवाइड करते हैं मिसाल के तौर पर मैं या आप कोई वीलॉग जै जैसे हम ये बना रहे हैं या हम जब यूट्यूब पर या किसी भी ऐसे पोर्टल पर डालते हैं तो हम इसके अंदर स्ट्राइक लिख देते हैं जी के कापी ये कॉपी राइटेड प्रोटेक्टेड मेरा डोमेन है अब मैंने रेलिवेंट अथॉरिटी के पास इसको रजिस्टर नहीं करवाया आई के पास मैंने रजिस्टर नहीं करवाया लेकिन क्योंकि यूट्यूब या आप जो है वो दूसरी अगर किसी पोर्टल का नाम लें तो आपने लिख दिया आप उनके नॉलेज में है कि ये कंटेंट जो है वो प्रोटेक्टेड है अगर आप लिखते हैं आप कहते हैं कि जी इस्तेमाल के लिए है लेकिन आप इस कोई इसकी ऑनरशिप क्लेम नहीं कर सकता कोई ये नहीं कह सकता जी कि मेरा क्रिएटेड है या मैंने प्रोड्यूस किया है तो आपको कुछ प्रोटेक्शन तो वहाँ पे मिलती है तो लोग ज़्यादा उसी की तरफ जाते हैं लेकिन इसके बरक्स अगर आप कोई प्रोडक्शन हाउस के अंदर आप कोई प्ले बनाते हैं या आप कोई मूवी बनाते हैं या आप कोई बुक पब्लिश करते हैं उसके अंदर आप समझते हैं कि ये आ उस तरह से जो है इसके रजिस्ट्रेशन टू द रेलिवेंट अथॉरिटी ज़रूरी है तो फिर आप उसको वाबे करवाते हैं तो रुझान जो है बिल्कुल देखने को ये मिल रहा है और जो चीज़ें पोर्टल पर जाती हैं यूट्यूब पर जाती हैं डेली मोशन पे जाती हैं दूसरे जो जगहों पर जाती हैं तो वहाँ पे वो रेलिवेंट अथॉरिटी के बजाय उसी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर देते हैं तो मैं अगर किसी की वीडियो उठा के लगाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर तो मुझे फ़ौर जो है वो कापी स्ट्राइक उसकी मिलेगी मैं अगर किसी को पिक्चर उठा के लगाता हूँ तो मुझे स्ट्राइक मिलेगी तो इस सेंस के अंदर भी हम देखते हैं कि ये एक तमीज़ पैदा होती जा रही है कि जनाब ये आप अगर कॉपीराइट की वाइलेशन करेंगे तो यूट्यूब या दूसरी जो चीज़ें हैं पोर्टल हैं वो आपकी

इसीलिए आईपीओ के ऊपर कॉपीराइट से रिलेटेड जितने भी अहम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़रूर पढ़िए स्पेशली अगर आपका ताल्लुक जी है किसी भी तरह की क्रिएशन से है कॉपीराइट के हवाले से और भी चंद एक अहम मौजूद के ऊपर हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो